मीनार पाकिस्तान पे जगह मांगी थी और इससे पहले मीनार पाकिस्तान पे बहुत बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है, आपने शहर से दूर उनको जगह दी, 3 घंटे का उनको टाइम दिया, तो अगर मीनार पाकिस्तान पे जगह दे देते तो शायद फिर ये चीज़ बेहतर हो सकती थी। शुएब शाहीन साहब, क्या ख्याल है कि कल का जलसा वक्त से पहले कैसे ख़त्म हो गया सर? देखें, पाकिस्तान की तारीख में कोई एक जलसा बता दें जो जिस पे पाबंदी हो इन शदीद गर्मियों में, लाहौर की गर्मियों में 3 से 6 बजे आपने सिर्फ एक हफ्ता पहले और उससे पहले इस्लामाबाद में भी हमारे साथ जो कुछ इन्होंने किया, कह रहे हैं कि जी बड़ी गुफ्तगू हुई, मैं आपके सामने बैठा हूँ, 6 दिन में जेल में रह के आया हूँ, मुझे बता दें 3 FIR मेरे खिलाफ और 9 FIR ने दहशत गर्दी की और पर्चा क्या काटा, वो बड़ा सख्त था, डंडा निकला आपके पास से? हाँ, वो निकला और इल्जाम यह है कि मैंने पिस्टल मारा। हाँ। और इल्जाम यह है कि अली अमीन गंडापुर ने गन छीनी DSP से, उसकी कनपट्टी पे रख दी और मेरे पे इल्जाम है मैंने पिस्तौल छीना उस पे रख दिया। जैसा भी दूसरे पर्चे में वो भी हंस रहे थे ये इल्जाम सुन के, चीफ जस्टिस साहब, और दूसरे पर्चे में इल्जाम यह है कि मैंने चीफ जस्टिस SHO से क्या किया, उससे उसका पिस्तौल छीन लिया, उससे उसका वायरलेस हेड छीन लिया, कैसे और उसकी वर्दी भी फाड़ दी और पता नहीं क्या क्या मैंने नहीं किया। आप बहुत खतरनाक। बात यह है कि इन कठपुतलियों को शर्म नहीं आती क्या? आप इस तरह पॉलिटिकल मोटिवेशन, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के जरिए आप लोगों को हरासमेंट क्रिएट करके ये तस्वीर देना चाहते हैं कि जलसा नाकाम हो गया। अब इस्लामाबाद के जलसे में मैं सारा कुछ ये मैनेज कर रहा था, तमाम एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बंद थे, लाहौर में सारे रास्ते बंद थे, मैं खुद गवाह हूँ, तंग जरूर होंगे, वो कह रहे हैं बंद, खुद गवाह हूँ, सारा मोटरवे बंद था, बाबू साबू इंटरचेंज से लेकर आनवर्ड और यहाँ से चक्री इंटरचेंज से आनवर्ड, पीछे से आप कैसे पहुंचे लेट? देखिए, उन्होंने रुकावटें दूर करते करते वहां पहुंचे और बाबू साबू पे वापस आते वक्त भी 2 घंटे हम फंसे रहे, बाकी छोड़े। और जब लाहौर में मैं और गौहर साहब इकट्ठे एक ही गाड़ी में थे और हमारा काफिला जो था, हमें तो कोई कई घंटे सिर्फ रिंग रोड के इर्द गिर्द हमारा लगा और तमाम रास्ते बंद थे, हम कैसे पहुंचे? हाँ। को पता नहीं, कोई मोटरसाइकिल वाले हमें मिल गए, कभी उनके साथ बैठ के, कभी किस तरीके से, किस तरीके से लोग पहुंचे वो हमें पता है। शेख साहब, अब चार ये चार पंजाब और इस्लामाबाद के लोग शायद आपको वोट तो दे दें लेकिन वो आपके जलसों में नहीं आते और आप जो एहतजाज की कॉल देते हैं उस पर भी नहीं निकलते। जिस आप इस्लामाबाद के जलसे की बात कर रहे हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा करीब है ना सर, तो सुन लेना, खैबर पख्तूनख्वा का 5% लोग भी नहीं पहुंचे थे, वजह क्या? वो सारे रास्ते बंद थे, जहां से जिस रास्ते से आना था वो सामने टैंकर खड़े कर दिए इन्होंने। कितने लोग आ रहे थे, कितने हो सकते थे अगर वो भी सारे पहुंच जाते तो? वो अगर पहुंच जाते कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 50,000 बंदा था वो जो पहुंच जाता, वो जो रास्ते थे उनके, आप विजुअल अभी आप ड्रोन विजुअल देख लेना आपको सामने नजर आ जाएंगे। अभी कल कितना था जब आप भी दोपहर को खड़े हुए थे? मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि लाखों का इज्तवा था, अभी भी लाखों में था और वो पहुंच जाता तो 50,000 ऐड हो जाता कम से कम, मेरी एक राय है, हद निकाह लोग थे। ठीक है और अभी जलसा जारी हो, सुने, जलसा जारी है, 6 बजे ये जनरेटर के बंदूक को उठाकर ले गए। देखिए, 3 घंटे के नोटिस पे मुझे ये बता दे और 50 किलोमीटर दूर एक एरिया में जाकर फेंका और उन पर भी रास्ते आपने बंद कर दिए, आप दे मीनार पाकिस्तान आप 2 दिन का नोटिस दें और उसके अलावा फैसिलिटेट सर, वैसे ये बात ठीक है, 3 घंटे में कोई जलसा शुरू होकर खत्म नहीं हो सकता, ये आपकी बात ठीक है। शाहीन साहब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, पहले भी आप लोगों को इसके ऊपर एतराज था, फिर जो ये नया ऑर्डिनेंस आया इस पर भी आपको एतराज है, तो आपका उसूली एतराज या आपको इससे क्या चीज है जो इसमें पसंद नहीं आ रही, क्या ये कानून ही गलत है या जो नया ऑर्डिनेंस है वो गलत है? देखें, मैं समझता हूँ कि हमारा एतराज आज इन्होंने ऑर्डिनेंस दे के ना उसको सच साबित कर दिया। हम ये कहते थे ये बात दुरुस्त है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस का होना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करके होना चाहिए, ये इनके जरिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंटरफेयर करेंगे इनटू द जुडिशरी, जुडिशियल अफेयर्स, और वो कर रहे हैं आपके सामने। कोर्ट ने तो कह दिया था ना, ठीक है, देखिए कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, ठीक हो गया ना। आज मुझे बता दें, जिस चीज का क्रेडिट ये लेते थे कि जी किंगशिप चीफ जस्टिस की नहीं होनी चाहिए, आपने तो उसको रिवर्ट कर हाँ, दिया, वापस रेस्टोर कर दिया, एक चीफ जस्टिस खुद अपना वोट, एक उसका नॉमिनी, 2 हो गए वोट उसके, ठीक है, और एक तीसरा सीनियर मोस्ट जज। अब आपने यहाँ पे सवाल कर लूं सर, क्या ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये इसलिए लाया गया था ना कि चीफ जस्टिस जो है वो गैर मुतालिक ना हो, लेकिन यहाँ पर तो हो गए ना फैसले, तो कहते हैं वही चीफ जस्टिस, ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ही कर रहे थे, तो ये उनकी मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस की बिल लाया गया था या उनको गैर मुतालिक करने के लिए लाया गया था? एक महीने बाद नजर ही नहीं आएगा, होगा ही अभी तो है, फिर उसके बाद क्या होगा?
बात यह है कि कानून क्या एक चीफ जस्टिस और एक जज को सामने रख के आपने फैसले करने, क्या चीफ जस्टिस और क्या मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस नहीं है। आपने एक पॉलिसी बना दी है ना, उस पॉलिसी पे अमल दरामद होना है। आप जो भी आएगा मंसूर शाह साहब के पास ये होंगे, उसके बाद जज अफरीदी साहब आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, चौथे आ जाएंगे, एक तरतीब चलती है। सर आप लेकिन आर्टिकल 63A की जो नजरसानी अपील है वो लगने नहीं दे रहे थे ना, जो 2 साल से ये आप नहीं समझते कि वो लगनी चाहिए, फैसला होना चाहिए, सारे केस लगने चाहिए, क्यों नहीं? हमारे बल्ले के निशान वाली रिव्यू, कतार वाली बात कर रहे हैं वो, जो पहले कतार वाली बात उन्हें उसमें लिखा हुआ है कि रीजन दे के चेंज कर सकते हो, वही तो वो पहले भी कर रहे हैं, रीजन दे के चेंज कर सकते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइज साहब ने कहा वो रिव्यू मखसूस रशिस्तों का पहले लगा दो। भाई वो रिव्यू जो हमसे बल्ले का निशान छीना था जनवरी में, आज 9 महीने हो गए, वो क्यों नहीं लगाया? होता ना बात वाली पहले लग जाती है। खराबी की जो बुनियाद है ना, देखिए नीयतें, एक तो बदद्यांती और बदनीयती की बदतरीन मिसाल कायम की है कि जो इन्होंने आईनी तरमीम नहीं कर पाए और आकर के ये ऑर्डिनेंस ले आए। ठीक है, अच्छा हाँ। अगर ये इतने ही नेक नीयत थे तो भाई उस वक्त आप एक्ट ले आते, परमानेंट फॉर ऑल टाइम टू कम आप एक्ट में तरमीम करें, और एक्ट में क्यों करें? पार्लियामेंट एक साल नहीं हुई, एक साल पहले आपने इसके शादियां ने बजाए कि हमने इतना बड़ा अच्छा कानून बना दिया, और उस अच्छे कानून में क्या खराबी हो गई कि एक चीफ जस्टिस जो जा रहा है एक महीने से, आपने उनसे क्या काम लेना पड़ गया? वो जो काम, इसका मतलब है जो काम ये आईनी तरमीम के जरिए नहीं कर पाए, अब इसके जरिए वो अचीव करना चाहते हैं, ताकि ये लोटाक्रेसी को फरोग देने के लिए आर्टिकल 63A की जजमेंट को अमेंड कराएं, अपनी मर्जी का बेंच बनवाए, उसके बाद बंदे उठाएं, उनके घर वालों को उठाएं, उनकी बीवियों को उठाएं जो आज आपके सामने चुका है। अच्छा, लेकिन ये ऑर्डिनेंस जारी करना तो गलत नहीं होता ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप लोगों से तो शिकायत यही थी कि ऑर्डिनेंस जारी कर करके आप कानून साजी कर रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस जारी करना तो गैर कानूनी नहीं है, वो तो गलत नहीं है ना? एक है ऑर्डिनेंस जारी करना इटसेल्फ आईन का एक हिस्सा है, वो कर सकते हैं, लेकिन आपने 3 दिन पहले असेंबली का इजलास था, आप अगर इतने नेक नियत थे तो पेश करते हैं वो आईनी तरमीम वाला। अच्छा दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले खुद कहा कि ये अगर आपने ऑर्डिनेंसेस के जरिए ये काम करना है तो फिर पार्लियामेंट को बंद करो, ये काजी फाइज साहब का हुक्म है, और आप आ जा करके वो ऑर्डिनेंस इसलिए ला रहे हैं, जैसे ये ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं? ऑर्डिनेंसेस लाने का मकसद ये है कि जैसे ये 40 दिन पिछले साल भी किया 30 दिन का नैब लॉ में, ताकि ये सब इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर सके, और अब लाए 40 दिन के लिए, और परमानेंट कानून का हिस्सा ना बने, ताकि जब ये आए, ये किसी वक्त भी आए, उनके लिए कॉमेंट ले लें। जी राणा एहसान साहब क्या कह रहे हैं? आरएफ अलवी साहब जब सदर थे और इनकी पार्लियामेंट में ये गवर्नमेंट में थे, तो आरएफ अलवी साहब जो है वो सदारती मोर लेके सदर के दरवाजे पे खड़े होते थे कि वहां जैसे ही ऑर्डिनेंस आती थी वो थप्पा लगा देते थे। तो इनको तो ऑर्डिनेंस पे कोई इतराज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने 3.5-4 साल ऑर्डिनेंसेस के जरिए इन्होंने असेंबली चलाई। पार्लियामेंट में ले आते ना, जरा मुशावरत हो जाती, जरा उसके ऊपर राय ले ली जाती तो ज्यादा बेहतर था। बात यह है कि ये कानून आप लाए और ऑर्डिनेंस लाए इससे बदनीयती पे मबनी, ताकि एक महीना काजी साहब से काम ले सके। जब ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ नहीं, मैंने पहले कहा आईन में एक चीज मौजूद है, वो लाने पे कोई इलीगलिटी नहीं।